और मित्रों, मैं हूं तांत्रिक चंदन शास्त्री। आप सभी को मेरे तंत्र मंत्र टोने टोटके चैनल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं आज आपको इस वीडियो बताने जा रहा हूं, स्त्री मरते दम तक आपका प्यार में गुलामी करेगी, नींबू में हींग लगा करके यहाँ रख दीजिए। अगर नींबू में हींग लगा करके यहाँ रख देते हैं तो स्त्री पल पल जो है आपका प्यार में तड़पने लगेगी। आपके प्यार के बिना वो नहीं रह पाएगी, आपका प्यार में वो जीवन भर गुलामी करेगी, मरते दम तक आपका प्यार में गुलामी करेगी। आखिर नींबू में हींग लगा करके आपको कहां रखना है, किस जगह पर रखना है, ताकि उस स्त्री के दिलो दिमाग में आपका प्यार दौड़ने लगे और आपके नाम पर जो है माला जपने लगेगी। ऐसी शक्तिशाली वशीकरण क्रिया मैं बताने जा रहा हूं, ऐसी चमत्कारी टोटके मैं बताने जा रहा हूं, जिससे आप किसी भी मनचाही स्त्री को आप अपना गुलाम बना सकते हैं, किसी भी मनचाही स्त्री को आप प्यार में दीवाना बना सकते हैं, किसी मनचाही स्त्री को आप अपने प्यार में उसे आप पागल बना सकते हैं। आखिर ये कैसे होगी, इसको क्या है तरीका, क्या है इसकी विधि, मैं सारे कुछ विस्तार पूर्वक आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। आप मेरे वीडियो पर आखिरी तक बने रहे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा और कमेंट बॉक्स पर जाकर के जय माँ कामाख्या जरूर लिखें, ताकि माता कामाख्या की कृपा आपके ऊपर सदा के लिए बने रहे। मित्रों, वशीकरण शक्ति एक ऐसी शक्ति होती है, अगर इस शक्ति का प्रयोग अगर किसी पर कर देते हैं तो चमत्कारी रूप से आपको लाभ मिलेगी और चमत्कारिक रूप से जो है वो आपका प्यार में तड़पने लगेगी। अगर आपका प्यार छोड़ करके चली गई है, प्यार आपके पास नहीं आ रही है, प्यार आपके पास वापस नहीं आ रही है, चाहे वो आपका स्त्री क्यों ना हो, स्त्री मायके में बैठी हुई है, आपका पत्नी मायके बैठी हुई है, लेकिन वो आना नहीं चाहती आपके पास में, तो उसको कैसे आप लाइएगा, उसको आप अपना दीवाना कैसे बनाइएगा, आप उसको अपने प्यार में कैसे तड़पा सकते हैं, तो ये सारे विधि मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगे, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए होंगे तो आपके मोबाइल स्क्रीन पर लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा दे और बगल में बेल घंटी को भी जरूर प्रेस कर दे, ताकि आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। मित्रों, वशीकरण शक्ति को ऐसे करना है कि आप किसी को प्यार में तड़पा सकते हैं, लेकिन आज जो मैं वशीकरण क्रिया बताने जा रहा हूं, ये क्रिया बिना खिलाए पिलाए आप दूर से किसी भी स्त्री को प्यार में तड़पा सकते हैं, बिना खिलाए पिलाए किसी भी स्त्री को आप सम्मोहित कर सकते हैं, उसे आकर्षित कर सकते हैं। वो कितनों भी दूर बैठी स्त्री हो, वो आपका प्यार में तड़पने रहेगी, आपके कदमों में आकर के गिरेगी। इसको कैसे करना है, तो मित्रों इस क्रिया को करना होगा आपको शनिवार या नहीं तो मंगलवार, शनिवार या मंगलवार, क्योंकि तांत्रिक टोटके जो भी की जाती है शनिवार और मंगलवार के दिन में बहुत ही खतरनाक से खतरनाक और बहुत ही तीव्र से तीव्र और अचूक वशीकरण टोटके किया जाता है शनिवार के दिन या नहीं तो मंगलवार के दिन। तो इस दिन करना क्या है, आपको बिना दाग का, बिना दागी, बिना कटा फटा एक आपको नींबू लेना होगा, नींबू, और उस नींबू को लेकर के आप अपने पूजा स्थान में शाम के समय या रात के समय में जब भी आपको मौका लगे, लेकिन सुनसान समय होना चाहिए, उस समय में किसी का शोर गुल नहीं होना चाहिए, किसी का हल्ला गुल्ला नहीं होना चाहिए, उस समय में नींबू पर आपको क्या करना है, आपका नाम लिखना है मार्कर कलम से, लाल रंग का मार्कर कलम लीजिएगा, तो एक तरफ में आपका नाम और एक दूसरे तरफ में उस स्त्री का नाम जिसको आप प्यार में तड़पना चाहते हैं, जिसको प्यार आप पाना चाहते हैं, उसका नाम लिख करके आपको करना क्या है, छोटा सा आपको शीशी लेना है, कांच का शीशी, और कांच का शीशी में आपको थोड़ा सा हींग का पाउडर उसमें डाल करके और नींबू के साथ में बढ़िया से मिला करके आप उसको जो है किसी भी एकांत जगह में या आप जिस बेड में सोते हैं उस बेड के सिरहाने के पास भी, या कि इनर जहां पर आप सीर करके सोते हैं वहां भी आप रख सकते हैं, या नहीं तो आप किसी भी अलमारी किसी भी दराज में जा करके जो है आप इस शीशी को वहां रख दीजिए नींबू में हींग लगा करके, देखिए आपका प्यार जो है आपके लिए तड़पने लगेगी, वो आपके बिना नहीं रह पाएगी। ये बहुत ही शक्तिशाली बहुत ही अचूक टोटके मैं बताया, उसे आप जरूर प्रयोग करें, माता रानी की कृपा से आपको सफलता मिलेगी। इसी आशा उम्मीद के साथ फिलहाल मैं आपसे विदा लेता हूं। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, जय माता रानी।